किसी एक मुतवैये को खत्म करना एलिमिनेशन कहलाता है। अब एलिमिनेशन के कई तरीके हैं, कीमत दर्ज करने के तरीके से, मुआवजा करने के तरीके से, जरबे से लिपाई के तरीके से। अब हम जो तरीका सीखेंगे वो कीमत दर्ज करने के तरीके से। x माइनस पी क्यू इक्वल्स टू जीरो, x ओवर l इक्वल्स टू m। ये मसवात नंबर एक है और ये मसवात नंबर दो है। अब हमें यहाँ से x को साकित करना है और कीमत दर्ज करने के तरीके से, कीमत दर्ज करने के तरीके से एक मसवात से कीमत निकालते हैं और दूसरी में दर्ज कर देते हैं। अब हम मसवात नंबर एक से, ये मसवात नंबर एक है और ये मसवात नंबर दो है, मसवात नंबर एक से x की कीमत निकालेंगे और मसवात नंबर दो में दर्ज कर देंगे। x इक्वल्स टू जीरो, ये पी क्यू इधर माइनस में है तो दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, x इक्वल्स टू जीरो प्लस पी क्यू, x इक्वल टू पी क्यू। अब x की कीमत हमारे पास आ गई, वो है पी क्यू। अब हमने मसवात नंबर दो में x की कीमत दर्ज करनी है, मसवात नंबर अब मसवात नंबर दो x ओवर l इक्वल टू m। अब x की जगह हम उसकी कीमत लगाएंगे पी क्यू, x की जगह पी क्यू ओवर l की जगह l इक्वल टू m। अब m के नीचे 1 है, अब यहाँ पे जो कि इक्वल आ गया है तो हम ज़र्बे से लिपाई का तरीका इस्तेमाल करेंगे, पी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और m को l से मल्टीप्लाई करेंगे। पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय l। पी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पी क्यू आता है इक्वल्स टू एम को एल से मल्टीप्लाई करें तो एल एम। अब हमने मसवात नंबर एक और मसवात नंबर दो से को कीमत दर्ज करने से तरीके से, जब हमने एक्स की कीमत निकाली तो इसमें मसवात नंबर एक से एक्स कीमत निकाल के मसवात नंबर दो में दर्ज की तो हमारे पास ये मसवात हासिल हो गई। इस मसवात में x चूंकि नहीं है लिहाजा x साकित हो चुका है और यही इस सवाल का जवाब है। मुआवजे के जरिए से x को साकित करें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी, मुआवजे में मुआवजे के तरीके से जब साकित करते हैं तो मसवात नंबर 1 और मसवात नंबर 2 में से x की कीमत निकालते हैं और उन दोनों का मुआवजा यानी उनको बराबर करके x को साकित कर लेते हैं। अब यहाँ पे मसवात नंबर 1 xt equals to l, मसवात नंबर 2 x over m equals to t, x equals to यहाँ पे l वही लिखेंगे और ये जो t है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x की कीमत आ गई x equals to l over t। अब मसवात नंबर 1 से हमने x की कीमत l over t निकाली और ये मसवात नंबर 3 बन गई। और ये मसवात नंबर 1 है और ये मसवात नंबर 2। अब मसवात नंबर 2 से तो x over m equals to t, ये मसवात नंबर 2 है इसलिए से x की कीमत x यहाँ पे t के नीचे 1 है तो इज इक्वल भी आया हुआ है तो हम यहाँ पे ज़र्बे से लिपाई का तरीका इस्तेमाल करते हैं, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो
x आता है x मल्टीप्लाइड बाय 1 m मल्टीप्लाइड बाय t x इक्वल्स टू m t m t। अब मैं सवाल नंबर 2 और ये मैं सवाल नंबर 4 बन गई। मसवात नंबर 1 से हमने x की कीमत l ओवर t निकाली और मसवात नंबर 2 से हमने x की कीमत m t निकाली। अब जब हम इसका मुआवजा करेंगे तो लिखेंगे कि 3 और मसवात नंबर 3 और मसवात नंबर 4 का मुआवजा करने से अब मसवात नंबर 3 कौन सी है? ये जो हमने एक x की कीमत निकाली थी x equals to l over t, अब l over t equals to मसवात नंबर 4 का मुआवजा 4 mt। अब ये इक्वल आ गया तो अब हम यहाँ पे मुआवजा कर रहे हैं तो इसके नीचे 1 है और l को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और mt को t से मल्टीप्लाई करेंगे। l मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू एम टी मल्टीप्लाइड बाय टी। एल को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एल इक्वल्स टू एम और डी का स्क्वायर हुआ कि हम एक्स साकित हो चुका है। लिहाजा यही अब इस क्वेश्चन का आंसर है।